रायबरेली में हुआ भीषण सड़क हादसा। रोडवेज में अनुबंधित सवारियों से भरी दो बसों में आमने सामने से हुई जोरदार भिड़ंत। दोनों बसों की टक्कर में एक बस सड़क किनारे खाई में गिरी। चालक समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल। मामला बधोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रायबरेली डलमऊ मार्ग पर स्थित मुंशीगंज पुलिस चौकी के पास का है, जहां रायबरेली की तरफ से जा रही सवारियों से भरी बस को सामने से आ रही दूसरी बस ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बस सड़क किनारे खाई में जा गिरी, जिससे बस में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे चालक आशीष पुत्र राम बाबू निवासी डलमऊ व राजन पुत्र राम आसरे उम्र 35 वर्ष व उसका छोटा भाई सुजीत उम्र 28 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सुजीत की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ ट्रोमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। बस के चालक, क्या हुआ है हादसा? हुआ ये कि हम रायबरेली से डलमऊ जा रहे थे और वो बस डलमऊ से रायबरेली आ रही थी, तो जो है वो बस जो है ब्रेक मारने से उसकी गाड़ी जो है पिछला हिस्सा घूम के जो है दाहिने साइड आ गया और हम इधर से जा रहे थे तो जगह नहीं थी तो उसमें गाड़ी में टकराव हो गया। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? मैं डॉक्टर रोशन सिंह पटेल, इमरजेंसी मेडिकल अफसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब, अभी एक रोडवेज पर घिरी एक्सीडेंट का मामला है, क्या है? हाँ, मुंशीगंज के आसपास कोई बस लड़ी हुई है, उसमें दो लोग घायल होकर के आए हुए हैं। एक को हेड इंजरी है और जबड़ा भी टूटा हुआ है उसका, और दूसरे का राइट लेग में इंजरी है, और दोनों को प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। सर्जन और आर्थो सर्जन दोनों लोगों को देख रहे हैं। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।